हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप यूल प्रिपरेशन आर गोइंग इन फुल स्विंग आजकल सीए फाइनल स्टूडेंट्स दो चीजों को लेकर काफी सोच में रहते हैं एक है सेल्फ पेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल एंड दूसरा है पेपर सिक्स इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन लेकिन अभी आपके सारे वरीज खत्म होने वाले हैं बिकॉज इन दिस वीडियो

ये वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन जरूर हिट करना और ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब कर दो सो दैट दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आर कमिंग फर्दर एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू ए सी एग्जाम एंड बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन दिस कमिंग अटेम्प्ट ठीक है तो आई होप आपने ये वीडियो को लाइक किया है चैनल को सब्सक्राइब किया है और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना चलिए लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो अभी ये वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं तो जो हमारा सेल्फ पेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल है दैट इज सेट बी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इज दर एनी नीड और रिक्वायरमेंट टू स्टडी दिस सब्जेक्ट दूसरा हम देखने वाले हैं फ्रॉम वेयर टू स्टडी दिस सब्जेक्ट तीसरा हम देखने वाले हैं क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा सो so दैट ज द टाइम दट टू अलोकेट फॉर लास्ट कॉन्सेप्ट है और साथ में एक गुड न्यूज जो आपको मुझे देनी है मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था एंड मोर देन टू फिफ्टी पीपल कमेंटेड रिक्वायर फास्ट ट्रैक बैच एंड कॉन्सेप्ट बुक तो जी हाँ गुड न्यूज वही है तो चलिए पहले मैं आपको गुड न्यूज दे देता हूं और उसके बाद हम ये सारे पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करते हैं तो गुड न्यूज क्या है आई एम एक्चुअली थैंकफुल टू यू ऑल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट आई हैव लॉन्च्ड माय वेबसाइट जिसका नाम है डब्ल्यू मनन पुजारा अगर आप ये वेबसाइट पर जाते हैं चलो हम भी एक बार ये वेबसाइट विजिट कर लेते हैं तो आपको यहां पर क्या दिखने वाला है सबसे पहले आपको होम पेज दिखेगा जहां पर मेरा लोगो वगैरह है उसके बाद यहां पर आपको थ्री प्रोडक्ट्स दिखने वाले हैं पहला जो प्रोडक्ट है दैट इज फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड बैच विथ हार्ड कॉपी कॉन्सेप्ट बुक दूसरा जो है दैट इज नथिंग बट ओनली कॉन्सेप्ट बुक

वाले यहां पर हमारे जो फ्री रिसोर्सेज है जो गूगल ड्राइव लिंक है इफ यू क्लिक जो हमारे जितने भी फ्री रिसोर्स एक्सेस आपको यहां पर मिलेगा यहां पर कुछ टेस्टिमोनियल्स है जो अभी जो अटेम्प्ट गया वहां पर जो ए आई आर फोर थे उन्होंने भी मेरे रिसोर्स में से पढ़ा है एंड रैंक तो स्टूडेंट्स लाते हैं इट इज अ बिग थिंग लेकिन उससे भी बड़ी चीज है कि इफ स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग विद दिस सब्जेक्ट उन्हें ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे परेशान हो गए हैं और वो सोच रहे कि यार मैं ये सब्जेक्ट कैसे करूंगा इसकी वजह से मैं फेल हो रहा हूं और ऐसे स्टूडेंट्स जब भी मेरे रिसोर्सेज यूज कर पास कर होते हैं ना तो आई फील इवन मोर प्राउड एंड हैप्पी देन अ स्टूडेंट गॉट द रैंक तो ऐसे भी कहीं सारे स्टूडेंट्स फ्रॉम एज ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव मुझे अभी पांच छह दिन पहले फिफ्टी वन ईयर के मैम का

वेबसाइट अभी वेबसाइट तो आपने देख ली और वेबसाइट पे आपने दो प्रोडक्ट्स देखे एक है कॉन्सेप्ट बुक और दूसरा है फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड बैच तो पहले ये दोनों चीज का हम फीचर्स समझ लेते हैं एंड उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करते हैं

यू विल हैव कंप्लीट कवरेज एस पर योर आई सी ए आई मॉड्यूल बुक की दूसरी फीचर यह है कि इट्स अ कलरफुल बुक यानी इट हैज कलरफुल चार्ट एंड समरीज नॉर्मल टेक्सट भी है और साथ में कलरफुल चार्ट एंड समरीज भी है हम आगे सैंपल बुक भी देखने वाले हैं उसके बाद मैंने एक डिटेल्ड इंडेक्स दिया है विच कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर पेपर सिक्स आई यानी अगर आप ये कॉन्सेप्ट बुक आईबीएस में लेके जाते हो तो मैंने एक पूरा डिटेल्ड इंडेक्स दिया है कि हर पेज पे कौन सा टॉपिक है तो अगर कोई भी केस स्टडी में कोई पर्टिकुलर टॉपिक एससीपीएम में से आता है तो आप सीधा वो इंडेक्स रेफर करें वो टॉपिक में जाकर आपका जो पेपर सिक्स है उसके आंसर लिख सकते हो तो ये भी एक यहां पर फीचर है दूसरा लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड इलेस्ट्रेटिव इन दिस मेथड सो दैट यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स और इलेस्ट्रेटिव भी यूज किए गए हैं और लास्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है दैट ये जो बुक का डिस्पैच है हार्ड कॉपी बुक का दैट विल स्टार्ट फ्रॉम फिफ्थ फेब्रुआरी तो यूजुअली आपको सिक्स टू सेवन वर्किंग डेज में पूरे इंडिया में कहीं पर भी आप ऑर्डर करते हो तो बुक्स आपको डिलीवर हो जाने चाहिए ये बुक का प्राइस है 1199 लेकिन अभी प्री बुकिंग ऑफर चालू है इसीलिए ये बुक सिर्फ फाइव में मिल रहा है तो राह मत देखना आप अभी ऑर्डर प्लेस कर देना सो दैट टाइम पर आपके घर पर आपकी बुक आ जाए सो दैट यू कैन इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर अभी जो दूसरा है उसमें जो जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स का इनडेप कवरेज किया है मैंने सारे चैप्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको यहाँ पर अगर आप ये लेक्चर्स लेते हो तो सारे चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाले है इन फास्ट ट्रैक मोड दूसरा इसके साथ साथ आई है इन योर मॉड्यूल एंड ऑल दमसीट आर देर इन योर मॉड्यूल यानी जो सेल्फ बेस्ट ऑनलाइन की सेल्फ बेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल की जो मॉड्यूल्स दी है आईसीआई ने

ट वी कॉल सिक्सटी मिनट के लेक्चर है तो उसे आप नाइन मिनट तक व्यू कर सकते हो तो यहाँ पर व्यू और वैलिडिटी भी वन ईयर है यानी आप अभी आईबीएस के लिए जितना चाहिए उतना देख लो उसके बाद जब भी आप सेल्फर्स ऑनलाइन मॉड्यूल देने जाते हो तो वहां पर आप शांति से उसे देख पाओगे इसकी जो लैंग्वेज रहेगी दैट विल बी हिंदी इंग्लिश मिक्स तो ये चीज आपको नोट करनी है जो लैंग्वेज है फास्ट ट्रैक बैच की दैट इज हिंदी इंग्लिश मिक्स जो मोड है दैट विल बी गूगल ड्राइव मोड आप इजीली गूगल ड्राइव से डाउनलोड करके आपका लैपटॉप है या फिर मोबाइल फोन है वहां पर ये लेक्चर्स देख सकते हो और ये जो लेक्चर्स के लिंक्स है वो आपको ट्वेल्थ फेब्रुआरी तक मिलेंगे जी हाँ ट्वेल्थ फेब्रुआरी के बाद मिलेंगे सो आई विल ट्राई कि अभी जो मेरा लेक्चर्स इन प्रोसेस आई विल ट्राई टू कंप्लीट मैक्सिमम पॉसिबल लेक्चर्स टिल 12 फ़रवरी अगर 100 परसेंट हो जाते हैं तो मैं आपको 12 फ़रवरी को ही सारे लेक्चर्स दे देखूंगा लेकिन वर्स्ट केस सिनारियो अगर फेब तक कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन सिर्फ रह जाते हैं sure जितना भी रिकॉर्डिंग हुआ है एटी परसेंट जाएगा, उसके बाद अगर कुछ पेंडिंग रहता है वर्स के में, तो आपको 20th तक मिल जाएगा। तो ये का आपको सिर्फ नोट करनी है इसका जो प्राइस है that is 5999, बट मुझे काफी सारे ने कहा था कि Sir, please, reasonable price रखना, इसीलिए आपके request पर ये जो लेक्चर्स है उनका प्राइस रखा है सिर्फ टू फोर डबल नाइन टू अलोंग विध हार्ड कॉपी बुक आपको हार्ड कॉपी बुक भी मिलने वाली है और साथ में आपको ये फास्ट ट्रैक लेक्चर्स यहां पर मैंने क्लियरली लिखा है, जो है, 599 और पर ये जो है वो उनका प्राइस है टू फोर नाइन नाइन एंड अगर आपको बुक नहीं चाहिए आपको सिर्फ लेक्चर्स चाहिए तो उसका प्राइस रहेगा टू वन नाइन नाइन लेकिन ये जो प्राइस है प्राइस राइज हो जाएगा इसीलिए आप जितना हो सके उतना ऑर्डर कर लो सो so दैट आपको टाइमली बेसिस पे जो आपके लेक्चर्स है वो मिल जाएंगे और साथ में ये जो कॉन्सेप्ट बुक है उसका भी मैं सैंपल आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूं तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो दिस इज डिटेल इंडेक्स हर एक पेज पर कौन सा टॉपिक है ना वो यहां पर लिखा है तो ये डिटेल्ड कलरफुल इंडेक्स यूज करके ही आप सारे कॉन्सेप्ट्स में ट्रेवल कर सकते हो तो आईबीएस के पेपर में आपको ये रिफर करने में इजी रहेगा और साथ में ये जितने भी चैप्टर्स हैं उनको भी मैंने ट्राई किया यहां पर आप देख सकते हो कलरफुल चार्ट कलरफुल समरीज एग्जाम्पल्स है फिर डिस्टिंग है स्मार्ट आर्ट्स वगैरह सब यूज करके जितने भी पुराने कॉन्सेप्ट नए कॉन्सेप्ट आपके मॉड्यूल में एज इट इज जैसे कॉन्सेप्ट है ना उनको ही समराइज करके यहाँ पे डाला हुआ है और एक इसका फीचर क्या है कि जो कॉन्सेप्ट का फ्लो है दैट इज एस पर फ्लो ऑफ योर मॉड्यूल यानी मॉड्यूल में अगर ये कॉन्सेप्ट ये ऑर्डर में है चैप्टर में तो यहां पर भी मोटा मोटी आपको वही ऑर्डर में मिलेगा तो अगर आपको ऐसा है कि नहीं आईबीएस के पेपर में मुझे सेफ होना है मुझे कॉन्सेप्ट बुक के साथ साथ मेरे मॉड्यूल्स भी लेकर जाने हैं तो नो no वरीज आप मॉड्यूल्स भी लेकर जाओ और वही ऑर्डर में आपको वहां पर मॉड्यूल में भी दिखेंगे और यहां पर भी ये क्वेश्चंस दिखेंगे यहां पर ऐसे कलरफुल चार्ट समरीज वगैरह सब कुछ स्टेप्स वगैरह दिए हुए तो आई होप ये सैंपल है कॉन्सेप्ट बुक का या आप वेबसाइट पर जब भी ऑर्डर करने जाओगे तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो तो आई होप ये जो दो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिल गई है अभी हम डिस्कस करते हैं ये सब्जेक्ट को एक्जैक्टली exactly प्रिपेयर कैसे करना है तो सबसे पहला क्वेश्चन है इज दर एनी नीड टू प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट क्या सेल्फ पेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल जो कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है उसकी कोई जरूरत है प्रिपेयर करने की जी हाँ बिकॉज ये दो जगह टेस्ट होने वाला है एक तो जो सेल्फ पेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल है एमसीक्यू की एग्जाम आपको देने जानी है वहां पर टेस्ट होने वाला है एंड दूसरा पेपर सिक्स आई है उसमें भी ये सब्जेक्ट्स केस स्टडीज में कुछ ना कुछ पार्ट आने वाले हैं हेंस दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी टेस्टेड फॉर मोर देन हंड्रेड मार्क्स इसीलिए इसका प्रिपरेशन करना एकदम जरूरी है आपको कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ आना चाहिए और आईसीआई ने क्या किया है पहले जो एस पे का सिलेबस था ना वही सिलेबस में और थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट सॉरी ट्वेंटी थर्टी फाइव जितना एडिशन करके दे दिया है हेंस ये सब्जेक्ट को पढ़ना एकदम जरूरी है अभी सेकेंड क्वेश्चन विल भी तो हम कहाँ से पढ़े सर तो देर आर टू ऑप्शन मैं मेरा खुद का यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं ये तो सिर्फ वेबसाइट था तो शोड यू कौन से प्रोडक्ट्स आपको क्या मिल रहे हैं और क्या क्या फीचर्स है आपके पास दो ऑप्शन है एक तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो या तो आप आईएसए के मॉड्यूल में से पढ़ लो या फिर आपको सिर्फ मेरे कॉन्सेप्ट बुक चाहिए तो उसमें से पढ़ लो लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए नए हैं स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आपको पहले कहीं पे नहीं था इसीलिए जो फ्रेमवर्क है जो मॉडल्स है बैलेंस स्कोर कार्ड परफॉर्मेंस पिरामिड हो गया लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हो गया टारगेट कॉस्टिंग हो गया फिर लीन सिस्टम हो गया जस्टिन टाइम हो गया तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट है इसीलिए है, अगर आप सेल्फ स्टडी करने चाहते हो तो शायद टाइम लग सकता telling, नहीं है इट इज पॉसिबल आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है मुझे अगर कोई कॉन्सेप्ट फटाफट समझा दे तो मेरा रजिस्टर हो जाएगा तो उसके लिए मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि मेरे फास्ट्रैक बैचेज है जो आपको मिल जाएंगे तो वो फास्ट्रैक बैचेज में से आप सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर सकते हो दीज आदि टू

पेपर सिक्स को छोड़ के आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स के प्रॉपर रिवीजन और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है जितने भी दूसरे सब्जेक्ट्स है फॉर ग्रुप वन देर आर रिमेनिंग फाइव सब्जेक्ट्स एंड फॉर सिंगल ग्रुप पीपल देर आर ओनली रिमेनिंग टू सब्जेक्ट तो उसका क्लैरिटी पहले होना चाहिए वो सब्जेक्ट्स को पहले अच्छे से खत्म कर लो उनके कॉन्सेप्ट समझ लो उनके क्लासेस करने तो कर लो उनके क्वेश्चन सोल्व करने तो कर लो वो आपको पहले खत्म करना है उसके बाद आपको ये सेल्फ पेश मॉड्यूल और पेपर सिक्स की प्रिपरेशन करनी है अभी अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो यानी अगर आप ग्रुप टू दे रहे हो तो ही आपको ये सेल्फ ऑनलाइन मॉड्यूल सेट भी एप्लीकेबल होगा तो आपको क्या करना है आपके पास सिर्फ तीन ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए है एक है बी और दूसरे बाकी के दो सब्जेक्ट है तो बाकी के दो सब्जेक्ट का आपका प्रिपरेशन हो जाता है फिर भी एग्जाम तक आपके पास इनफ टाइम है फेब्रुआरी मंथ है मार्च मंथ है अप्रैल मंथ है और मे में एग्जाम है सो यू हैव गुड इनफ थ्री मंथ तो आप क्या कर सकते हो आप जो लेक्चर्स में सारे कॉन्सेप्ट्स है और सारे क्वेश्चन है पूरे सेवेंटी आप अच्छे से देख सकते हो उसके बाद आप ये जो आईबीएस के केस स्टडीज वो सोल्व करना एंड देन जब भी आप सेल्फ पेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल की एग्जाम देने जाते हो एमसीक्यूज वाली तभी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन रिविज़िट करने तो आप मेरे लेक्चर्स में से वो रिविजिट कर सकते हो तो दिस शुड बी दी अप्रोच फॉर सिंगल ग्रुप

के या फिर एमसीक्यूज के वीडियोस अभी नहीं देखता आई हैव ट्राइड टू कवर All the concepts of all the chapters in around 35 hours. यानी अगर आप तीन दिन फुल fledged बैठते हो और अगर आप 1.5 पे भी देख लेते हो तो रफली दो ढाई दिन में या फिर मैक्सिमम थ्री डेज में आप सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर सकते हो तो मैं क्या करता फास्ट्रेक लेक्चर लेके पहले सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेता सो देट आई हैव अ ब्रीफ ऑफ दिस सब्जेक्ट

लेक्चर्स ले लो लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस देखो क्वेश्चंस के बाद जब भी आपका अटेम्प्ट खत्म हो जाता है फिर तो तभी तो जाके आप एक बार वापस कॉन्सेप्ट को रिविजिट करके जो भी क्वेश्चन के वीडियो आपके पेंडिंग थे वो सारे क्वेश्चन के वीडियो आप देख लेना सो so देट आपका जो एमसीक्यू का पेपर है वो भी अच्छे से जाएगा और अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो दैट इज ग्रुप वन तो यहां पर आपको ये जो सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल है वो तो एप्लीकेबल नहीं है लेकिन आईबीएस के लिए आपको शायद एससीपीएम का प्रिपरेशन लगेगा तो नाउ यू कैन टेक अ कॉल कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बुक लेना है या फिर मॉड्यूल में से ही पढ़ लेना है या फिर आपको फास्ट ट्रैक लेक्चर लेना वेरी सब्जेक्टिव बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन सो जो लोग सिर्फ ग्रुप वन दे रहे हैं उनको ये कॉल खुद से लेना पड़ेगा नेक्स्ट विल बी टाइम टू बी अलॉटेड कितना टाइम अलॉट करना चाहिए आईबीएस को तो ये भी वेरी सब्जेक्टिव है दिस डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन बट इफ आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस आई वुड हैव अलोकेटेड मैक्सिमम एट टू नाइन डेज यानी टू टू एन आर मैक्सिमम थ्री डेज आप एससीपीएम के लिए रखो एक आध दो दिन या फिर तीन दिन मैक्सिमम लॉ के लिए रखो और बाकी के जो दो तीन दिन बचे हैं उसमें आप जितने भी केस स्टडीज है वो आप अच्छे से सॉल्व कर लो यानी पांच सब्जेक्ट्स आपके अच्छे से हो गए हैं बाकी के दो सेल्फ टेस्ट मॉड्यूल का आपने कॉन्सेप्ट रिवीजन फटाफट कर लिया और उसके बाद आप सारे केस स्टडीज सॉल्व कर लो तो आई शुड आई थिंक यू शुड बी गुड इनफ टू गो फॉर योर पेपर ऑफ आई तो कितना टाइम देना है मैक्सिमम एट टू नाइन डेज दिस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन ऑन लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन एंड लास्ट है

फाइनल में आप क्या कर देते थे आप पूरा स्टेप वाइज कर देते यहां पर स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन सोल्व तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू में वो टाइप के क्वेश्चन वो लोग ने पूछे हैं इसीलिए सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा वरना आप एमसीक्यू की एग्जाम जब भी लिखने जाते हो तो देर आर चांसेस की वो तुक्का मार के जय माता दी जय माता दी करके आप लिख के आओ शायद पास भी हो जाओ बट शायद पास ना हो तो आपको अननेसेसरीली एग्जामिनेशन कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा आप अगर सोचते हो कि यहां पे मैं फास्ट ट्रैक बैच नहीं लेता हूं और पैसे सेव कर लेता हूं नो वरीज इट्स योर पर्सनल कॉल लेकिन आगे जाके अगर आप वो एमसीक्यू वाली एग्जाम देते हो वहां पर पास हो जाते हो जाते तो आई वुड लव टू दैट लेकिन शायद अगर आप फेल हो जाते हो तो वापस एग्जामिनेशन देने जाना पड़ेगा और एग्जामिनेशन वहां पर फ्री नहीं है आईसीए आराम से हजार दो हजार तीन हजार रुपए चार्ज करने ही वाला है सेंटर्स का तो वो अननेसेसरीली वहां पर आपका वो एक्सपेंस चला जाएगा उससे अच्छा क्यों ना हम सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ ले क्योंकि आफ्टर ऑल तो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है ना और चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ एग्जाम पास थोड़ी करनी है वी आर लॉन्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमें एक्जैक्टली exactly सब्जेक्ट का नॉलेज भी तो होना चाहिए इसीलिए एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से तो ठीक है लेकिन नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी एक ही एंगल रखना कि ये सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ लो बिकॉज दिस इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट आपको इसे पढ़ने में काफी मजा आने वाला है बहुत सारे रियल लाइफ एक्साम्पल्स कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं समझने वाले हैं और ये सब्जेक्ट को एंजॉय भी करने वाले हैं तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर है रिलेटेड टू सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल ये जो प्री बुकिंग आर ओनली वैलिड टिल फोर्थ फेब्रुआरी इसके बाद प्राइस थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा इसीलिए आप प्री ऑर्डर अभी प्लेस कर लो

फेब में आप ट्राई कर लोगे आपके जितने दूसरे सब्जेक्ट्स है ना उसका प्रिपरेशन आप अच्छे से कर लो और मार्च के फर्स्ट वीक में आप आईबीएस का प्रिपरेशन कर सकते हो ये आईबीएस से रिलेटेड सब कुछ इनडेप्थ मैं डिस्कस करने वाला हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन ऑल द इंटरेस्टिंग अपडेट्स ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना सो दैट इट कैन हेल्प देम ऑल्सो टू एज एज देर एंड बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आई होप इट वॉज हेल्पफुल अगर हेल्पफुल है और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो ये वीडियो को लाइक कर देना कमेंट करना इफ इट इज बीन हेल्पफुल टू यू आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑल कुछ भी आपको पूछना करना हो डू कमेंट आई रिप्लाई टू योर कमेंट्स शायद थोड़ा टाइम लगे बट आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो आपके कंफ्यूजन टेंशन दूर हो गए हैं बिल्कुल भी टेंशन मत लेना यह पहला टाइम है नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है इसीलिए आपके पेपर इजी आने वाले हैं इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आई एम श्योर आप आने वाले चार्टेड अकाउंटेंट बनने ही वाले हो इसलिए अपने आप पर भरोसा रखना हैव फेथ इन योरसेल्फ हैव बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू आर श्योरली गोइंग टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन दिस कमिंग अटेम्प्ट ठीक है तो पढ़ते रहना खुश होकर पढ़ना यहां तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए कीप स्माइलिंग बी हैप्पी स्टे मोटिवेटेड बाय-बाय